गाइस नमस्ते, कैम छो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडीपी व्लॉग्स। तो आज के वीडियो में मैं आपको मेरा पूरा व्लॉगिंग सेटअप दिखाने वाला हूँ। तो कुछ चीज़ हमने ऑनलाइन ऑर्डर कर दी थी तो अभी वो आ चुकी है। तो ये जो व्लॉगिंग सेटअप जो मैं पूरा कर रहा हूँ वो आप सब लोगों के लिए ही कर रहा हूँ, क्योंकि तो मैं क्वालिटी भी आपको बेस्ट देना चाहता हूँ मेरे वीडियो की। साउंड क्वालिटी देखो या फिर वीडियो क्वालिटी भी आपको बेस्ट देखने को मिलेगी। तो इस सब कुछ करने के लिए बहुत सारा खर्चा हो गया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आप सभी लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो ये पूरा व्लॉगिंग सेटअप हमने इसलिए किया हुआ है कि अभी लॉन्ग ड्राइव की तैयारियाँ चल रही है, तो कहाँ जाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और साथ में मेरे इंस्टाग्राम आईडी को भी आप फॉलो कर दीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को हर रोज़ की मिलती रहे। adp.vlogs करके है, तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे सपोर्ट कीजिए। और यहाँ तो आप सपोर्ट करते ही हो, तो और ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सब लोगों को मैं दिखाता हूँ कि मैं व्लॉगिंग करने के लिए अभी कौन से सेटअप का यूज़ करने वाला हूँ। तो सभी चीज़ आ चुकी है, कोई भी चीज़ बाकी नहीं है। अभी मैं कुछ लेने वाला नहीं हूँ, ये हमारा फाइनल सेटअप है। तो जल्दी से अभी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो अमेज़ोन की तरफ से पूरी आइटम आ चुकी है। दो दिन आया हुआ था पार्सल, पहले दिन ये पार्सल आया था उसमें कुछ मटेरियल है, दूसरे दिन में ये बड़ा पार्सल आया था उसमें कुछ मटेरियल है हमारा। तो चलिए अभी सीधे सा अनबॉक्सिंग करते हैं। तो सबसे पहले ये छोटे वाले पार्सल को अनबॉक्सिंग करते हैं। वैसे तो मैंने ओपन कर दिया था क्योंकि देखना पड़ता है ना कि यार अभी सब फ्रॉड वगैरह चलता है। तो इसमें है हमारा बोयो का शॉटगन माइक है, तो इस माइक की बहुत ज़रूरत थी क्योंकि अननेसेसरी बहुत सारे साउंड सराउंडिंग्स में ऐसे आते हैं। तो अभी जल्दी से इसको ओपन करते हैं। ये बॉक्स वगैरह को तो अभी पहली बार ही हम ओपन कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा है माइक वगैरह, तो ज़रूरी है ये सब चीज़ें। और काफ़ी इच्छा भी थी मुझे ये माइक वगैरह लेने की। आप देख सकते हो कि ये बोयो का माइक है, तो साथ में मोबाइल पे, टैबलेट पे, लैपटॉप पे और कैमरा में सभी तरह के चीज़ में ये चल सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, तो यार MRP नहीं दी हुई है, बताओ। तो जिसको जितने मन में चाहे उतने में बेच सकता है, तो ये थोड़ी गलत बात है। तो इसे अनबॉक्सिंग करते हुए हम हमारे माइक को, वाव, मुझे ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है, काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है ये, देखिए आप। और इसके अंदर ही आपको माइक मिलेगा, आप देख सकते हो ये माइक है हमारा। और ये तो ये प्रोटेक्शन वगैरह के लिए है, और साउंड कैचअप काफ़ी अच्छी तरीके से करता है। और साथ में ये हमारी एक बैग भी मिलेगी हमको, जिसके अंदर आप अपना सामान रख सकते हो। और ये हमारा केबल है, तो दोनों तरफ 3.5 का जैक हमको मिलता है इसमें, तो ये भी यूज़ कर सकते हो, ये भी यूज़ कर सकते हो, आपको जो भी यूज़ करना है वो कर सकते हो। और ये हमारा स्टैंड मिलेगा जिस पे आप हमारा माइक इस तरह से कुछ इंस्टॉल कर सकते हो। तो अभी मैं इंस्टॉल करके भी बताऊँगा आपको, तो फिलहाल तो इस चीज़ को अभी साइड में रख देते हैं। अभी दूसरे पार्सल को ओपन करेंगे हम। ओ, पार्सल के अंदर पार्सल, पार्सल के अंदर पार्सल। तो ये कुछ एक पार्सल है, और ये दूसरा हमारा, और ये तीसरा, और ये बिलिंग वगैरह कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले आ जाते हैं, तो ये पार्सल में तो उलानजी का V2 हमारे GoPro के लिए, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है, तो इसको भी मैं ओपन करके दिखाता हूँ ये क्यों ज़रूरी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो बॉक्स के अंदर कुछ इस तरह, तो बॉक्स में कुछ इस तरह से आपको स्टिकर मिलेंगे, तो कैमरा व्लॉगिंग एसेसरी कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, तो काफ़ी अच्छा है ये। और ये बॉक्स हमारा नीचे गिर गया है, और इसके अंदर हमारा प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का क्वालिटी इतना ग्रेट नहीं है, ओके है कि ठीक है, लेकिन ज़रूरी है ये बहुत। तो ये भी इसका कैसे यूज़ करने वाले वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, तो अभी फ़िलहाल इसको साइड में रख देते हैं।
अभी ये चीज के अंदर आ जाते हैं, तो इसके अंदर कुछ ये, और ये हमारा गोरिल्ला ट्राइपॉड, तो ये भी बहुत जरूरी था क्योंकि जब मैंने पहला वाला हमारा गोप्रो लिया था तो उसके अंदर तो सेल्फी स्टिक आया हुआ था, इसके अंदर हमको कुछ नहीं मिला था, तो इसके बिना तो काफी काम अधूरा रह जाता, इसके लिए हमने ये भी मंगवा दिया है। तो ये हमारा ट्राइपॉड काफी अच्छी क्वालिटी लग रही है, और साथ में ये हमारा मोबाइल होल्डर स्टैंड भी है, आप इस पे अपना गोप्रो भी माउंट कर सकते हो और मोबाइल भी कर सकते हो, तो मोबाइल का कुछ इस तरह से आप लगाना रहता है, तो कुछ इस तरह से आपको मोबाइल यहाँ पे, और साथ में ये आप देख सकते हो एडजस्टेबल है, तो काफ़ी अच्छा स्प्रिंग वगैरह काफ़ी अच्छा टाइट है यहाँ पे, तो अभी इसको भी यहाँ पे साइड में रख देते हैं। और अभी हमारा मेन चीज़ गोप्रो का माइक, इसके बिना नहीं चल सकता, ये गोप्रो ने बहुत ही घटिया किया हुआ है कि गोप्रो का माइक एडेप्टर लेना पड़ता है आपको, तो आप देख सकते हो कि ये गोप्रो का माइक तो पहले तो 2500 रुपए में मिलते थे, फिर इसका 3000 भाव हुआ, फिर 3500, फिर 4000, फिर 4500, कई कई जगहों पे तो ये आउट ऑफ स्टॉक है और आपको 7-8000 तक के भी मिलते हैं, तो ये थोड़ा ऑड है क्योंकि अभी गोप्रो है वो हीरो 7 ब्लैक बंद कर रहा है, इसके लिए इसका प्राइसिंग भी बहुत हाई हो गया है। अभी इसको भी अनबॉक्सिंग करते हैं, काफ़ी बेकार सिस्टम गोप्रो की तरफ से, इतनी छोटी सी चीज़ के लिए वो लोग हमसे 4500 रुपया चार्ज करते हैं, 4500। तो ये गोप्रो की तरफ से ये माइक एडेप्टर बहुत ही छोटा है लेकिन प्राइसिंग काफी हाई है। आप देख सकते हो कि बहुत सारी एसेसरी अभी आ चुकी है, ये है गोप्रो का माइक एडेप्टर ऐसा हमने अनबॉक्सिंग करके दिखा, ये हमारा गोरिल्ला ट्राइपॉड, और ये उलान जी का हमारा माइक एडेप्टर का केस, और साथ में गोप्रो के लिए भी केस है। तो अभी फिलहाल इसके अंदर मैं आपको गोप्रो हमारा इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो हमारा गोप्रो कहाँ गया, ये गोप्रो का जो ओरिजिनल केस है हमारा, उसको हमको निकालना पड़ेगा, और फिर उसको यहाँ पे जो ये दूसरा हमारा है उसमें लगाना पड़ेगा, लेकिन पहले हम इसको गोप्रो को इस पे इंस्टॉल करके मैं पूरा ब्लॉगिंग सेटअप आपको दिखा देता हूँ, बाद में वो करेंगे हम, तो उसके लिए ये भी जरूरी है और ये भी, तो उसके लिए हमारा ये जो शटर है साइड वाला उसको निकालना पड़ेगा, तो इसको हमने निकाल दिया है और इसको केस के अंदर डालना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से ये केस ओपन होता है, इस तरह से स्लाइड वाला केस है, तो उसके अंदर आपको अपना ये गोप्रो डाल देना है। तो ये गोप्रो अंदर चला गया, बाद में इसको जैसे ओपन किया था उसी तरह से स्लाइड करके क्लोज भी करना है। थोड़ा अलग जरूर है लेकिन चल जाएगा। तो ये इस तरह से ये हो गया, और जो ये नीचे हमारा ये जगह आप देख रहे हो उसके अंदर, तो ये हमारा माइक एडेप्टर पूरा अंदर चला जाएगा। तो यहाँ ऑपोजिट डायरेक्शन से डालना है, तो ये माइक एडेप्टर ये देखिए पूरा उसके साइज जितना ही है, तो ये अंदर चला गया है, और बाद में वायर बहुत ही हार्ड है तो पता नहीं यार टूट ना जाए, इसके डर से थोड़ा लगा रहा हूं क्योंकि पहली बार लगा रहा हूं, तो कुछ अलग ही ट्राई से लगाते हैं, अभी इसको पलटा के लगाते हैं तो शायद अच्छे से लग जाए। तो अभी इस तरह से फोटो वगैरह में तो इस तरह से होता है, लग तो गया है फिलहाल के लिए, तो फिर देखते हैं कैसे आगे बढ़ा जाता है। तो अभी इसको यहाँ पे रख देते हैं, और हमारा ये बोयो का माइक अब
देख सकते हो काफी अच्छा लग रहा है ये। और साथ में यहाँ पे ये नीचे है जो स्टैंड है इसका, तो स्टैंड को यहाँ पे अंदर इसके अंदर ऐसे फिक्स हो गया है देखिए। और ये स्टैंड है ये यहाँ पे लग जाएगा, ये देखिए आप यहाँ पे माइक के लिए ही दिया हुआ है ये देखिए, बड़ी आराम से और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये। और ये एक जाएगा माइक के अंदर, ये दूसरा है ये हमारे माइक एडेप्टर के अंदर जाएगा यहाँ पे कुछ इस तरह से। यहाँ पे देख सकते हो पूरा सेटअप हमारा हो चुका है। अभी इसको गोरिल्ला ट्राइपॉड पे भी लगा के मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गोरिल्ला ट्राइपॉड के ऊपर लगाने के लिए ये चीज भी आपको बहुत जरूरी है, तो मैं ये सभी एसेसरी है वो मैंने अमेजोन से ही लिया हुआ है, तो उसका मैं लिंक आपको दे दूंगा। तो बहुत सारी एसेसरी मैंने कैमरा के लिए ली हुई थी, ये स्टिकी पैड है, ये राउंड शेप के माउंट है, बाद में और भी बहुत सारे माउंट्स आते हैं, ये स्क्रूइंग वगैरह आपको उसी में मिल जाएंगे तो इस तरह से यहाँ पे हमारा व्लॉगिंग सेटअप अभी पूरा तैयार होने वाला है। वाह, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये, आप देख सकते हो पूरा सेटअप हमारा तैयार हो चुका है। ये माइक आ चुका है, ये गोप्रो का केस, ये गोरिल्ला ट्राइपॉड, ये हमारा जो हमने मंगवाया था माइक एडेप्टर वो भी आ चुका है, तो पूरा सेटअप तैयार है। तो अभी धूम मचाएंगे, आपको भी दिखाएंगे और बहुत ही मजा आने वाला है इस ट्रिप में। तो अभी आपको मेरा आवाज कैसा आ रहा है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अभी मैंने ये जो बोयो का माइक है वो भी इंस्टॉल कर दिया है, तो साथ में उसी पूरे सेटअप के साथ काम कर रहा हूँ, तो शायद अच्छा ही आ रहा होगा, आपको सराउंडिंग के नॉइस वगैरह नहीं मिल रहे होंगे। तो हमने एक और चीज़ मंगाई हुई थी, ये है गोप्रो की बैटरी, तो वो आप कहीं से भी परचेस कर सकते हो, ऑनलाइन भी मिल जाती है और ऑफलाइन भी मिल जाती है। तो कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही वो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए मेरे वीडियो को। तो चलिए मिलते रहेंगे इसी तरह के नए नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब खैर।